हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर के बारे में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर को लेकर जितनी भी हमें बातें जाननी थी वो सभी जान ली है। चाहे हमें बात करनी थी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हमें जीरो ऑर्डर में ये जानना होगी कितना रिएक्टेंट लेफ्ट रह जाएगा, वो बातें हमने जान ली है। लाइफ टाइम के बारे में जान लिया था, हाफ लाइफ के बारे में जान लिया था, और रिलेशन बिटवीन वेरियस टाइम इंटरवल के बारे में भी हमने बातें कंप्लीटली कर ली थी, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूं वहां से हमारे पास कौन कौन से रिलेशन आए थे, तो देखिए वो रिलेशन जानने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो विदाउट नोइंग द रिलेशनशिप आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो जो सबसे पहला हमारे पास रिलेशन था वो क्या था कि हमारे पास जो रेट होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के, दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर जीरो, इसके इक्वल हमें देखने को मिलता है, राइट। पहला रिलेशन ये था हमारे पास। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या था, दूसरा रिलेशन हमारे पास था कि अगर हमें किसी भी एक टाइम इंटरवल के बाद अगर हमें जानना है कि कितना रिएक्टेंट लेफ्ट रह जाएगा तो किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के इक्वल हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। ये दूसरा हमारे पास रिलेशन था। तीसरा हमारे पास क्या था, हाफ लाइफ, राइट। और हाफ लाइफ हमारे पास किसके इक्वल आई थी, हाफ लाइफ हमारे पास इक्वल आई थी ए नॉट बाय टू के की, हाफ लाइफ हमारे पास इक्वल आई थी ए नॉट बाय टू के के, राइट। एंड ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इन सभी में मैं रिएक्शन लेके चल रहा हूं ए से लेकर बी मेरे पास, यानी कि स्टोइकोमेट्री क्या है, वन, क्योंकि हमने जाना था कि स्टोइकोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी अगर आपके पास जो स्टोइकोमेट्री रहती है रिएक्टेंट की, वही स्टोइकोमेट्री आपके रेट कॉन्स्टेंट के साथ आपको क्या लगानी है, लगा के चलनी होती है, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूँ फुल लाइफ की, तो हमारे पास फुल लाइफ क्या थी, ए नॉट बाय के, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, वेरियस रिलेशन हमें देखने को मिल रहे थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ बन रहे हैं, राइट। देखिए, जो आप ग्राफ बनाते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रही है, आपका जो रिलेशन है वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्या वो हाइपरबोला को फॉलो कर रहा है, क्या वो पैराबोला को फॉलो कर रहा है, सो ऑन, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री में मेनली हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही चलती है, रेयर ही ऐसा केस रहता है कि हमारे पास जो है हाइपरबोला या पैराबोला इक्वेशन हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज की तरफ रुख ज्यादा रखना कि मेरे पास जो भी एक रिलेशन है उसको मैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सोल्व करूं, क्योंकि पैराबोला और हाइपरबोला रिलेशन जो है वो कम ही हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बात करते हैं पहले ग्राफ की। तो पहला ग्राफ हमारे पास है रेट वर्सेज कंसंट्रेशन। पहला हमारे पास ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपको ग्राफ बनाने हैं तो डोंट ट्राई टू क्रैम देम, राइट। उनको रटने की ट्राई मत करो, उनको समझो आखिरकार ग्राफ कैसे बन रहे हैं। अगर आपने ये रिलेशन ऑलरेडी कर लिए हैं फिर तो आपको ग्राफ में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ग्राफ इन्हीं रिलेशन की हेल्प से बनने वाले हैं, और अगर इन्हीं रिलेशन से ग्राफ बनेंगे तो क्यों रट रहे हो। मैं समझा रहा हूं ना आज की वीडियो में आपको कि ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ये पहले क्या करना है, जिन भी चीजों के बीच में ग्राफ बन रहे हैं आपको क्या करना है, आपको वो रिलेशन देखना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इन दोनों चीजों को जिनके बीच में ग्राफ बनने वाला है उनको रिलेट करने वाला है, राइट। तो हमारे पास एक ही ऐसा रिलेशन है जो कि रेट को और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिलेट करता है, और वो क्या है, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर जीरो, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें पता है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और कौन सी कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट की मत लेना, क्योंकि यहां पे हम कंसंट्रेशन कौन सी ले रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं हम यहां पे, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या है मेरे पास, रिलेशन है रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, जहां पे y हमारे पास क्या है कि y एक्सिस पे क्या आने वाला है, m क्या होता है स्लोप, y हमारे पास क्या है y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, ये y क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस पे कौन सा हम ले रहे हैं, m हमारे पास होता है स्लोप, x होता है हम कि x एक्सिस पे किसको लेने वाले हैं, x हमारे पास है कि हम x एक्सिस पे किसको लेने वाले हैं, और c होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट, c होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, y इंटरसेप्ट से मतलब है कि जो आपकी y एक्सिस है उस को कहां पे कट करने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लगा के चलते हैं y is equal to mx plus c में, तो हमारे पास रेट हमारे पास y एक्सिस पे है और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कहां पे x एक्सिस पे है, क्या लगाना है, y is equal to mx plus c, mx
प्लस सी, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि कुछ भी नहीं है, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। और क्या सी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वाई एक्सिस पे कहां से लाइन स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस पे कहां से लाइन स्टार्ट होगी। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट क्या है जीरो, यानी कि हमारे पास जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट होने वाली है, लाइन जो है वो जीरो से स्टार्ट होने वाली है क्योंकि वाई इंटरसेप्ट क्या है जीरो है ऑलरेडी, राइट। दूसरी बात क्या हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्लोप क्या देगा के, स्लोप क्या देगा के। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो स्लोप है के है, स्लोप किस इक्वल है एम किस इक्वल है के इक्वल है, और ये स्लोप कैसा है पॉजिटिव स्लोप है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है ए रेज़ टू पावर जीरो, और कुछ भी अगर हमारे पास रेज़ टू पावर जीरो होता है तो किस इक्वल होता है वन के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्या बन जाएगा पूरा फैक्टर इतना, ये हमारे पास बन जाएगा वन। तो हमारे पास रेट किस इक्वल आ जाएगा, रेट हमारे पास ओवरऑल इक्वल आ जाएगा के, यानी कि मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि रेट के ऊपर कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि मैं कितनी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं मेरा जो रेट है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि के क्या है कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी कि मैं कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दूं मेरा रेट क्या है कॉन्स्टेंट है। रेट कब बढ़ता, रेट ऐसे बढ़ता अगर ऐसे होता तो कि पहले मेरे पास इस कंसंट्रेशन पर रेट इतना है, ठीक है, इस कंसंट्रेशन पे रेट इतना है, इस कंसंट्रेशन पे रेट इतना है, लेकिन हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज कर लो कितनी भी रेट सेम रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन रेशियो पावर जीरो है वो फैक्टर क्या बन जाएगा वन बन जाएगा। तो मेरे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जब ग्राफ बनाऊंगा मैं तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की रेट क्या रहेगा कंसंट्रेशन के चेंज होने के बाद भी सेम ही हमें देखने को मिलेगा। और ये हमने बात की भी थी जब हम जीरो रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, अब हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। दूसरा ग्राफ हमें क्रिएट करना है, मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, यानी कि अब की बार हमें क्या चाहिएगा एक ऐसा रिलेशन चाहिएगा जो कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन क्रिएट करके दे रहा है। अब देखिए हमारे पास यही इकलौता ऐसा रिलेशन है जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या दे रहा है रिलेशन दे रहा है। आप कहोगे सर ये भी टाइम पीरियड और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन है, ये भी टाइम पीरियड और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन है, तो इनको यूज कर लीजिए। नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया उस एग्जामिनर ने कि कौन से टाइम पे, क्या पता T25, क्या पता T10, क्या पता T99.9, कौन सा टाइम पीरियड है। तो अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ तो आप ये रिलेशन यूज करोगे, अगर एग्जामिनर को ये रिलेशन यूज करवाने होंगे तो वो क्या कह देगा हाफ लाइफ के साथ आपका रिलेशन बताना है या फिर फुल लाइफ के साथ और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनाना है आपके बारे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका जो है और टाइम के साथ रिलेशन बताना है हमें यहां पर, राइट। तो देखिए रिलेशन क्या है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये हमारे पास रिलेशन है। तो हमें लगा देना क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स और ये क्या आ जाएगा मेरे पास सी। आप कहोगे सर आपने mx इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें तो क्या आता है पहले mx आता है ना, आपने तो बाद में mx ले दिया। तो बच्चे देखिए हमारे पास mx में हमें दो मेजरेबल दो ऑब्जर्वेबल चाहिएंगे, mx में m एक अलग क्वांटिटी है, x एक्सिस पे यूज होने वाली x एक अलग क्वांटिटी है, तो हमें उसी को तो mx मानना पड़ेगा ना, जहां पे दो हमारे पास ऑब्जर्वेबल ऑलरेडी है तो वो kt में है, a नॉट में हमारे पास दो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है तो हम इसको कैसे मान लेंगे mx, राइट। तो इसलिए हमें क्या किया kt को क्या मान लिया mx, और हमेशा याद रखना पहले जो लिखा होता है उसको स्लोप मानते हैं, बाद में जो लिखा होता है उसको हम x एक्सिस पे लेने वाला कोऑर्डिनेट मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको x मान लो इसको m मान लो, ये xm बन जाएगा, आपको mx रखना है। तो k को आपको m और t को आपको x मानना ही पड़ेगा, एंड सेकंडली वैसे भी हमें क्या करना है टाइम के साथ, x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है, टाइम के साथ ही हमें बताना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए y हमारे पास क्या है आपकी बार a, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये a क्या रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए जो y इंटरसेप्ट अब की बार है ना वो मेरे पास है a नोट, यानी कि मेरे पास अब की बार जो y इंटरसेप्ट है वो है a नोट, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि इनिशियली मेरे पास कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो परसेंट है, और ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट हमारे पास शुरू में तो 100% परसेंट होगा ना, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड ऑन होती जाएगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती जाएगी कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास y इंटरसेप्ट है a नोट, यानी कि y जहां पे टच कर रही है ये जो पॉइंट होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा a नोट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देखिए टाइम हमारे पास x एक्सिस है,
स्लोप मेरे पास कैसा है नेगेटिव, यहाँ पे से क्या समझ में आ रहा है स्लोप मेरे पास क्या है माइनस के, और माइनस का क्या मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया नीचे की तरफ, ऊपर बढ़ता होता है नीचे घटता होता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है मेरी लाइन जो है वो नीचे की तरफ मूव ऑन करेगी, और यही मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ मुझे देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजें समझने वाली है, क्रैम करने वाली नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि बताइए भैया आपको क्या करना है, आपको जो है कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम दो ग्राफ बनाना है, लेकिन आपकी बात कंसेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की लेनी है, कंसेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की लेनी है। देखिए इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है मेरे पास वो क्या फॉलो कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो कर रही है। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया तो वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आया, तो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो वो भी कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन मुझे पता है इनिशियल जब रिएक्शन शुरू नहीं होती प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन होती है वो जीरो होती है, यानी कि मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, तो जीरो होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, और बढ़ने का मतलब है ऊपर जाना, ठीक है। घटने का मतलब क्या होता है नीचे जाना, घटने का मतलब क्या नीचे जाना, देखिए ये हायर वैल्यू होगी ऑब्वियस बात है, अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये लो हो गई और कम हो गई और कम हो गई, है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि वैल्यू बढ़ रही है, देखिए इस ये कंसेंट्रेशन इस टाइम भी यही है, इस टाइम पे कंसेंट्रेशन और इंक्रीज हो गई, इस टाइम पे कंसेंट्रेशन और इंक्रीज हो गई, इस टाइम पे कंसेंट्रेशन और इंक्रीज हो गई, राइट। तो हमारे पास ऊपर स्लोप जाना पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब है टाइम के साथ वो चीज बढ़ेगी, और नेगेटिव का मतलब है चीज घटेगी, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आ जाएगा। एक कंसेंट्रेशन हमने कंसिडर की है प्रोडक्ट की, और एक हमने कंसिडर की है रिएक्टेंट की, एक हमने कंसिडर की है रिएक्टेंट की। अब देखिए हमारे पास जो फोर्थ ग्राफ है वो आएगा रेट वर्सेस टाइम का, फोर्थ हमारे पास ग्राफ बनाते हैं हम रेट वर्सेस टाइम का। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो कोई भी रिलेशन ऐसा है ही नहीं जो रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा है, ऊपर से हमारे पास रेट के लिए एक ही रिलेशन है, तो बच्चों इसी को यूज करेंगे अपन, अपन क्या करेंगे इसी को यूज करने वाले। देखिए कैसे, हमारे पास हमें पता है रेट जो है वो इक्वल होता है के ए रेज़ टू पावर जीरो के। अब देखिए जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस के टी की पावर जीरो, राइट। अब बना सकते हैं ना रेट और टाइम के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन है, अब देखिए इसकी पावर जीरो है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो रेट क्या बन जाएगा मेरे पास के इक्वल आ जाएगा, रेट द्वारा से मेरे पास के इक्वल आ जाएगा, यानी कि मैं कितना ही टाइम पीरियड बढ़ा लूं मेरे पास रेट क्या रहना है कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे पास अगर मैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक कांस्टेंट, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा, कोई भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं लास्ट ग्राफ की, देखिए जितने भी ग्राफ आ सकते हैं सभी के सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, इसके बाहर से जीरो ऑर्डर में कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। लास्ट ग्राफ है टी हाफ वर्सेस कंसेंट्रेशन, लास्ट ग्राफ हमारे पास है टी हाफ वर्सेस कंसेंट्रेशन, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास है टो इज इक्वल टू टी हाफ, सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय टू के, है ना, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय टू के। अब देखिए ये मेरे पास आपकी बार वाई एक्सिस में जाएगा, क्योंकि टी हाफ मेरे पास यहां पर है और ये मेरे पास x एक्सिस पे जाएगा, तो और रिलेशन बता भी रहा है t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाय 2k है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया y। अब देखिए a नॉट बाय 2 को क्या, 2k को क्या लिख सकता हूं मैं, a नॉट मल्टीप्लाई 1 बाय 2k लिख सकता हूं ना, है ना। तो यहां पर मेरे पास देखिए अब की बार मुझे कंसंट्रेशन रखनी है, अब की बार मुझे कंसंट्रेशन को x मानना है, तो कंसंट्रेशन को x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था पहले m लिखा जाता है बाद में x लिखा जाएगा, अरे बच्चों एक बात बताओ ये a नॉट बाय 2k है, ठीक है, a नॉट बाय 2k है, वो तो मैंने 2k को आगे लिख दिया, इसको ऐसे लिख लो 1 बाय 2k मल्टीप्लाई a नो, है ना, बात तो वही पड़ जाएगी ना, ये m हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास x हो गया। अब देखिए मेरे पास स्लोप जो है पॉजिटिव है, स्लोप मेरे पास क्या है पॉजिटिव है, और मेरे पास y इंटरसेप्ट कितना है जीरो, y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है जीरो, y इक्वल टू mx + c होता है ना, y is equal to mx plus c होता है, तो y intercept क्या है मेरे पास जीरो, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से मेरे पास स्टार्ट होगा, और मेरे पास जो x एक्सिस पे है उसका जो स्लोप है वो कैसा है पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप का मतलब ऊपर जाएगा, राइट। और स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाय 2k के इक्वल, ठीक है, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2k के इक्वल, और ये हमें ग्राफ देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, क्वेश्चन आ जाए हमारे पास
फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन, एंड जो रिएक्शन है मेरे पास है मान लीजिए वो है ए से बी, ठीक है। हमसे पूछा जाए इसके लिए जो स्लोप की वैल्यू है मान लीजिए वो है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू है। फाइंड रेट कांस्टेंट, फाइंड रेट कांस्टेंट आ जाए भाई। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, दूसरा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए अगर मैं टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो मेरे पास जो स्लोप आता है वो 1/2 के इक्वल आता है। स्लोप की वैल्यू है 2 तो k की वैल्यू क्या जाएगी 1/4 देखने को मुझे मिल जाएगी। ये मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास ये आ गई मेरे पास स्लोप की वैल्यू, ठीक है, सॉरी k की वैल्यू। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी। जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ है जीरो ऑर्डर में जो पॉसिबल है सभी मैंने आपको करवा दी है, इसके बाहर से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह स्लोप जो है वो रेट कांस्टेंट को निकालने का एक जरिया बनता जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करके अपने ग्राफ को बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जब भी एक नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और कोई भी दिक्कत रहती है कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक उठा सकते हो, वहां से आपको जो है मुझे सोशली मैसेज करने में काफी आसानी रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।